क्या भविष्यवाणी गुरु जी आपकी? हमारी भविष्यवाणी हमने पहले की थी कि कमल की सरकार बनेगी, वो अपनी जगह अटल, वो इसलिए कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कई मेल किए और कई माध्यमों से उन तक पहुंचाने की बात कही कि वो उनसे आकर मिले हमारे निवास पर, लेकिन उनकी व्यस्तता के कारण उनका मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको आमंत्रित करूंगा अपने निवास पर, जब कभी लखनऊ आएं तो दर्शन दें, क्योंकि मैं उनसे 15-20 मिनट कुछ गोपनीय बातें करना चाहता हूं, जिसका चुनाव पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वो उनको करना होगा। और ये भविष्यवाणी जो मैंने की है, ये भविष्यवाणी अगर गलत हुई तो मैं महाकाली की सौगंध खा के कहता हूं कि त्रिवेणी में अपार जन समूह के सामने गुरु आदेशानुसार जल समाज ले लूंगा। और दूसरी बात, एक धर्म की आज आड़ में जो फसादात हो रहे हैं, इसे बंद करना होगा। सभी धर्म एक हैं, सभी धर्म एक हैं। अब हमने ये पहन लिया तो कोई कहेगा ये तो मुसलमान की टोपी आपने कहाँ पहन ली। अरे भाई, इसमें कहाँ दिखा है मुसलमान? मुझे तो नहीं आया, किसी भी टोपी में नहीं दिखा है। क्या आप दुकान में जाते हैं टोपी खरीदने, तो कहीं मुसलमान टोपी दे दो? कुछ नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। गर्व से कहिए हम सब भारतीय हैं। और इस समय जो वक्त आ गया है, पृथ्वी की रक्षा करो, धरती मैया की रक्षा करो। अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता रहा तो भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं भूकंप? क्योंकि धरती पर जब पाप बहुत बढ़ जाता है और धरती बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उसमें खून बहता है और धरती बर्दाश्त नहीं कर पाती है उसे, तो धरती जब बर्दाश्त नहीं करेगी तो भूकंप तो आएगा ही। हाँ, एक बात मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग घर से कहिए हम सब भारतीय हैं, माँ तुझे सलाम।